तो हम शुरू करते हैं सही अल बुखारी किताब बदुल खल्क द बुक ऑफ क्रिएशन और इसका बाब है ज़िक्र मलाइकता। तो हदीस नंबर 452-454 इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रबी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रबी ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह अपना सबक। करने वाले बहुत खुश अखलाक इंसान थे। या रबी लकल हमदू कमा यंबगी लिजलाली वजीका वाजीम सुल्तानिका अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हमदू बिमा खलकतना व रजकतना व हदैतना व फरजता अन्ना लकल हमदू बिल ईमानी व लकल हमदू बिल कुरआनी व लकल हमदू बिल इस्लामी तुम्मा मबादु फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रबी इशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह हमारी मौत के वक्त हमें कलमाए शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखेगा और हमारी जबान पर कलमाए शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह जारी कर दीजिएगा आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा आज हम करेंगे सही बुखारी किताब बदुल खल्क बाबू जिक्री मलाइका। मलाइका का जिक्र हम कर रहे हैं ना, तो हम जरा एक बस वो सुन ले आप हदीस नंबर 444 है ना, उसको जरा सा देख लेते हैं दोबारा से। आप लोग कोई बात ना निकाले, मैं थोड़ी सी उसकी वो तशरीह कर लेते हैं। हदीस नंबर 444 ठीक है। उसमें है कि उवा बिन जुबैर से रिवायत है कि असर की अच्छा नहीं शुरू से करे थे। हमसे कबीला बिन सईद ने बयान किया, हमसे लैस बिन साद ने, उन्होंने इब्न शाब से, उन्होंने कहा एक रोज ऐसा हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा ने असर की नमाज में कुछ देर कर दी और उवा बिन जुबैर ने कहा तुमको मालूम नहीं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे, उन्होंने हज़रत सल्लम से इमामत की। उमर ने ये सुनकर कहा उर्वा समझ कर कहो क्या कहते हो ना, जैसे उन्होंने देर करवा दी ना तो वो क्या कह रहे हो। और उर्वा बिन जुबैर कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आए थे और दो वक्तों में नमाज पढ़ाई, अव्वल वक्त में भी और आखिरी वक्त में भी। तो उमर कह रहे हैं कि उर्वा तुम क्या कह रहे हो समझ कर कहो ना, कितने कॉशियस होते थे, तो यानी देर हो गई तो फिक्र ना करो ऐसा हुआ है, वो ये समझाना चाह रहे थे, ये हदीस बता रहे। तो उर्वा ने कहा लो सुन लो, मैंने बशीर बिन अबी मसूद से सुना है, वो कहते थे कि मैंने अबू मसूद से सुना, वो कहते थे कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे हज़रत जिब्रील उतरे, उन्होंने मेरी इमामत की, या आप सल्लम फरमाते रहे फरमा रहे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए मेरी इमामत की, मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी, फिर दूसरी नमाज, फिर तीसरी नमाज, फिर चौथी नमाज, फिर पांचवी नमाज, अबू मसूद आया, हज़रत सल्लम पांचों नमाजों को अपनी उंगलियों से गिनते थे। अबू मसूद कह रहे हैं कि जब वो ये रिवायत बता रहे थे आप सल्लम तो पांचों नमाजों को अपनी उंगलियों पे मैं ऐसे देख रहा था कि वो गिन रहे थे। अच्छा अब सुना नबी दाऊद में यह हदीस है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये वाली हदीस जो हमने यहाँ शॉर्ट है ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दो बार नमाज पढ़ाई, कितनी बार, दो, हर नमाज दो बार पढ़ाई ठीक है, हर नमाज से दो दफा है। एक दिन उन्होंने अव्वल वक्त में नमाज पढ़ाई, दूसरे दिन दूसरे वक्त में, यानी एक ही नमाज को फजर जोहर असर मगरिब इशा को पहले अव्वल वक्त में पढ़ाई, फिर दूसरे वक्त आखिर वक्त में पढ़ाई। फजर की नमाज एक दिन सुबह सुबह फजर तुलू होते ही पढ़ा दी, फजर तुलू ही पढ़ा दी, दूसरे दिन जब रोशनी हो गई थी तब पढ़ाई। आपने देखा है ना कि आपके प्रो मोबाइल मुस्लिम पे और आपके जो मस्जिदों से कैलेंडर आते हैं उस पे लिखा होता है इतने बजे शुरू होगी और सनराइज इतने बजे तक है,
तो सनराइज तक हम पढ़ सकते हैं, उससे पहले पढ़ लें 15-20 मिनट पहले, टाइम भी तो चाहिए ना, एकदम सनराइज पे पढ़ेंगे तो फजर का टाइम खत्म हो जाएगा, कम से कम आधा घंटा अच्छी नमाज पे, तो यानी अगर आप देर से होती है, अव्वल वक्त की तो बहुत ही अच्छी नमाज मानी जाती है, बहुत ही अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया फिर, और दूसरे दिन, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, और दूसरे दिन बस शुरू ही क्या, और दूसरे दिन जब रोशनी हो गई थी, लेकिन मगरिब उस वक्त पढ़ाई थी जब रोजादार रोजा खोलते हैं, उसको ताखीर से नहीं पढ़ाई थी, मगरिब में तो हम देर वैसे भी नहीं कर सकते, हाँ रोजा भी रखते तो हम इतना करते हैं खजूर पानी ये वो पी लेते हैं, और थोड़ा बहुत भूख लगती है तो चलो फ्रूट चाट ही खा लेते हैं, हमारी कोशिश होती है खाना बाद में खा, यही करते हैं ना, हम समोसा रख लिया, कोई फ्राई खा ली, चाट वगैरह खा ली, खजूर खा ली, और ईशा तिहाई रात में दूसरे दिन पढ़ाई, ईशा को क्या किया, पहले दिन आए तो जो अव्वल वक्त में पढ़ाई, और ईशा एक तिहाई रात तक, 1/3, एक तिहाई होता है 1/3 रात तक पढ़ाई, ठीक है, पहले दिन अगले टाइम पर पढ़ाई, और दूसरे दिन आए तो क्या करी, फिर आखिरी वक्त में एक 1/3 रात में पढ़ाई, और फजर उजाले में पढ़ाई, तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत का वक्त इन दोनों औकातों के दरमियान है, यानी आगाज और इख्तिताम के बीच बीच में पढ़ाई, शुरू में और इख्तिताम के बीच में पढ़ाई, ताकि एकदम इख्तिताम पे भी पढ़ेंगे तो फिर टाइम क्या होगा, पढ़ेंगे क्या, ठीक है, तो पढ़ी जा सकती है, और जितना जल्दी पढ़ी जाए खुसूसन जोहर असर मगरिब इतना ही बेहतर है। आपको पता है ना जोहर के तो दो चार सुन्नत, छह सुन्नतें सुन्नत मौकदा है ना, कि अगर हमने 12 सुन्नत मौकदा पढ़ ली तो उसके लिए जन्नत वाजिब है, ठीक है ना, फजर के 2 सुन्नत, जोहर के 6-8 हो गए, 2 मगरिब के और 2 ईशा के, तो 12 हो गए ना, तो सुन्नत मौकदा है, ठीक है, तो जितनी जल्दी पढ़ ले उतना ही बेहतर है। ईशा की नमाज को थोड़ा ताखीर से पढ़ना ज्यादा मुनासिब है, ईशा फौरन ना भी पढ़े तो आप ससम भी थोड़ा ठहर के पढ़ते थे ईशा की नमाज। इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, ये आप व्हाट्सएप पे हमें डाल देगी तो हमें IT इंचार्ज हमारी उजमा जी, इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता डाल दें, किताबम मौकूता डाल दें, क्योंकि इन्न सलाता डालेंगे तो सलात के बहुत सारे आ जाएंगे ना, तो किताबम मौकूता, नमाज को वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ना चाहिए, नमाज को लेट नहीं करना चाहिए, आयत आपको बता रही है, बोले मेरे साथ, इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, यहाँ किताबन से मतलब किताब नहीं है, यानी हुक्म के उसको लिखा गया, उसको हुक्म दिया गया कि वक्त की पाबंदी मौकूता, उसके मौकत उसके टाइम से पढ़ा जाए, नबी सल्लल्लाहु, ये हम कर रहे हैं हदीस नंबर 444, ठीक है, ये तशरीह मुझे लगा, ऐसा लगा मुझे कि इसकी शरह रह गई थी ना, इसे उसको ना निकाले, वो तो कर चुके, मैंने कहा मुझे लगा था रह गई थी ना, ये आप लोग गवाह बन जाए कि हर चीज कोशिश होती है कि हम कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, मैं विशाल माशाल्लाह याद है सबको, वो वाली भी याद है, यानी अच्छा उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की पेशगोई की थी, अब आगे सुने, पेशगोई थी कि कुछ ऐसे हुक्मरान आएंगे, अब बता रहे कि क्या होगा कैसे हुक्मरान आएंगे जो नमाजों को ताखीर से पढ़ाएंगे, तो तुम भी नमाज को अपने असल वक्त पर पढ़ लेना, और उनके साथ भी जमात में शरीक हो जाना, वो तुम्हारे लिए नफल नमाज हो जाएगी, ऐसा वक्त आएगा, ऐसे हुक्मरान आएंगे कि नमाज को उसके वक्त से देर देर से पढ़ाएंगे, तो तुम क्या उस वक्त क्या करने का हुक्म है कि नमाज को घर में अपने असल वक्त पर पढ़ लेना, या मस्जिद से गुजर रहे हो तो मस्जिद में ही असल वक्त पर पढ़ लेना, जैसे हमारे हस्बैंड होते हैं ना, कहते हैं कि भाई अभी इशा हो रही है तो मैं पढ़ के ही आ रहा हूँ, मगरिब हो रही है तो मैं पढ़ के ही आ रहा हूँ, वो पहले से देर के खाना मतलब हमें रिलैक्स कर देते ना, तो क्या अगर मस्जिद में पढ़ रहे हैं और ताखिर हो रही है तो आप उसके असल वक्त पर पढ़ लें जो टाइम है, और उनके साथ भी जमात में शरीक हो जाना, अब साथ में आप चूंकि आप फर्ज तो एक दफा आपने आप पढ़ लिया टाइम पे पढ़ लिया, अब वो हुक्मरान देर से नमाज करा रहे तो आप मस्जिद में उनके साथ भी शरीक हो जाना, वो आपका नफिल हो जाएगा, जजाक अल्लाह। इससे पता चलता है कि अगर कोई घर से नमाज पढ़कर आया, आप नमाज पढ़ के गई फिर मस्जिद पहुंचा, आप समझिए कि मैं दर्स के लिए जा रही हूँ, कोई स्कॉलर आया है लेकिन मस्जिद में देर से नमाज हो रही है, मस्जिद पहुंचा वहां भी नमाज हो रही है, तो दोबारा नफिल की नियत से इसमें शरीक हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हर वक्त हमें इबादत को कहा है, वो हमारा नफिल हो जाएगा, क्योंकि हुक्मरान कुछ हुक्मरान आएंगे जो लेट नमाजें पढ़ेंगे, तो अल्लाह के वो वक्त आएगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या करना कि तुम वक्त पे नमाज पढ़ लेना, चाहे घर में पढ़ लो चाहे मस्जिद से गुजर रहे हो पढ़ लो, ठीक है, और फिर क्या करना जो नमाज हो रही है उसमें शामिल होना, वो नफिल हो जाएंगे।
जैसे हम मस्जिद में गए कोई स्कॉलर आ रहे हैं, अब हम तो घर से पढ़ के गए क्योंकि प्रो मुस्लिम ने बता दिया, मस्जिद कैलेंडर्स ने बता दिया, सब ने बता दिया, टाइम तो पता ही होता है। हम लोग तो यहाँ मस्जिद करीब करीब में तो बहुत मोहतात होते ना। अब आप मस्जिद गए स्कॉलर को सुनने या ये करने, या आपके शोहर भी गए, मर्द तो जाते ही हैं, अब उन्होंने देखा कि हम तो नमाज पढ़ के गए थे, तो अब यह है कि वहाँ नमाज शुरू हो गई, तो वो नमाज पढ़ ले तो आपकी नफिल हो जाए, नफिल की नियत से उसमें शामिल हो जाए। तो आप सबसे फरमा ऐसे हुक्मरान आएंगे जो लेट नमाजें पढ़ाएंगे, उस वक्त तुम क्या करना कि अपनी नमाज टाइम पे, देखिए कितनी है, यही वाली आयत है ना, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, के बेशक नमाज जो है मोमिनों पर वो मुकर्रा वक्त पर पढ़नी चाहिए, पाबंदी के साथ पढ़ना चाहिए, उसको लेट लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हदीस नंबर 444 की थोड़ी सी वो थी। अब 449 में जो था कि वो मेमुना के घर पर तबियत पाए थे वो सावी, जिन्होंने हजरत मेमुना आपकी जौजा मोहतरमा थी, और फिर उस हदीस में वो बताते हैं कि तो आपके घर में क्यों ये लगा हुआ है पर्दा, तो उन्होंने कहा कि इसको आपने सुना नहीं कि इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, जो सेल्फ पेंट होते हैं, ठीक है ना, जो खुश होते हैं। अच्छा, अब यहाँ इसकी शरह में ये बता रहे थे कि अगर फर्श पे भी कोई नकुश हो तो जो है कोई मुजायका नहीं, क्योंकि उसको रोन के चलते हैं आप, लेकिन प्रिफरेबल प्रिफरेबल यानी जितना गुड़ डालो उतना मीठा, ये है कि नकुश होने ही नहीं चाहिए कहीं भी, ना सेट प्रिंट पे, जैसे कोई तस्वीर हो गई, कोई डिजाइन ऐसा हो गया, फूल पत्ते तो कोई बात नहीं, पहाड़ दरख्त इंसानों की शक्ल हो गई, कोई सर हो गया, कोई हेड हो गया, कोई तस्वीर हो गई ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब उस हदीस से लोगों ने ये जवाब निकाला कि तस्वीर प्रिंट करना, उनको बनाना, उनको प्रिंट करना, उनको बनाना बहरा जायज करा दीजिए उसको, बहरा हमारे दिन में मना है, उस पर बहुत सी वईदे हैं जो बराह रास्त हमने वहाँ पढ़ी ना, क्या वईद पढ़ी थी उस हदीस नंबर 444 में, कि जहाँ तस्वीर और मूर्तें और तमासील और मूर्तें और कुत्ता होता है, फरिश्ता नहीं आता, आप ससम इंतजार करते रहे और आपकी हमारी सारी हदीस पढ़ी थी, उससे पीछे हम पढ़ चुके हैं कुत्ते का, और जब था वहां भी हमने पढ़ी थी, पानी पी परेशानी में इंसान टहलता है, सुबह से शाम आप टहलते रहे, चकर चक्कर लगाते रहे, वो पूछती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके क्या मामला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहि सलाम ने हमसे आने का वादा किया था, फिर वो नहीं आए, आपकी इस जो सबक में शॉर्ट सा दिया हुआ था, लेकिन इसकी हम डिटेल पढ़ चुके हैं आगे ना, जब हमने किया था सारे जानवरों पर, तो फरमाया कि जिब्रील अलैहि सलाम ने वादा किया था वो नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिब्रील अलैहि सलाम ने वादा किया वो ना आए, तो वो तशरीफ नहीं लाए। फिर वो फरमाती कि आप ससम को कुछ ख्याल आया, तो खैमे के नीचे छोटा छोटा सा कुत्ता था, तो आपने उसको निकाला, फिर जिब्रील अलैहि सलाम तशरीफ लाया, वजह बताई कि जिस घर में कुत्ता और तमासील और तस्वीरें होते हम नहीं आते, यानी वो डेकोरेशन हम बना के जो बुत तो हमारा इरादा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे मोन्यूमेंट्स होते हैं डेकोरेशन में, वो भी नहीं रखना चाहिए ना, तो फिर जब फरिश्ता ही नहीं आएगा तो हमारी इबादतें कैसे, जितने दर्स रख ले, जितने नवाफिल पढ़ लें, जितने आप चार शशरात तहज्जुद फजर पढ़ ले, तो वो कबूल ही नहीं होगा ना, ऊपर ही नहीं गया, जब फरिश्ता ही नहीं आ गया तो लेके कौन जाएगा। इसी तरह आप आगे पढ़ेंगी, आपका आ रहा है ना हदीसे माशाल्लाह आ रही कि अभी आपकी अजवाज मुतारात थी, तो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये शर्फ हासिल है कि वही आपके बिस्तर पे आती थी, आप ससम आपके बिस्तर पे होते थे, तो वो उल्मा कहते हैं कि इसलिए कि वो सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ज्यादा पाकी साफी। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी अजवाज मुतारात नहीं, उनको तो कुरान में कह दिया गया कि तुम्हारे घराने को हम पाक करना चाहते हैं, है ना, जो वस्कुन्ना फी बुयूतिकुन्ना यतलू फी बुयूतिकुन्ना, आप वो जिक्र क्या करें जो तिलावत आपके घर में जो होती है, यानी जो वही आती है ना, वस्कुन्ना वकरना फी, और अपने घरों फी बुयूत, अपने घर में बैठा करो, बाहर कम निकला करो, तो तुम उनके लिए तो ऐसी ऐसी आयतें हैं अजवाज मुतारात के लिए कि तुम्हारे घराने को तो अल्लाह के रसूल हमने पाक कर दिया है ना, वो तो पाकीज़ा थी, अजवाज मुतहरात ही उनको कहा जाता है, लेकिन बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ना बहुत ज्यादा ख्याल करती थी, तो इसलिए अंडर आर्म्स है, अंडर लेग है, बहुत सफाई सुथराई रखनी चाहिए, क्योंकि बालों पर ही मैल और कुचल जमा था, कितनी भी आप तहारत कर लें, और फिर वो हंसते थे ना साहब जो कुफारे मक्का थे और मुश्रिकी थे, कि तुम्हारे जो साहब हैं, तुम्हारे साहब हैं, तो ये सिखाते हैं तुम्हें, तो उन्होंने फखर से कहते थे हाँ, क्योंकि सफाई में उसी ईमान है, आधा ईमान तो सफाई है ये है ना, और फिर आधा ईमान कहते हैं ना कि मर्द निकाह करता है तो उसका पूरा ईमान हो जाता है, फिर उसकी निगाह नहीं भटकती है ना, ये भी कहा जाता है ना,
तो सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखें। और हम लोग तो करते ही किचन में पसीना हो जाता है, एक शावर लेते हैं, एक शावर वैसे ले लेते हैं, कभी नहीं दो नहीं तो एक शावर तो हो ही जाता है। बहुत ज्यादा पकाई करते तो हम तो कपड़े भी चेंज करते, इतना पसीना हो जाता है। तो आजकल तो गर्मियां हैं तो बहुत ज्यादा ख्याल करें, घर साफ, बिस्तर साफ, बेडशीट साफ, क्योंकि हम तो मुसलमान तो सोफे पे भी पड़ रहा है, जिक्र कर रहा है, लेटने के भी अस्कार है, सुबह शाम के अस्कार है, बिस्तर से उठने के आले इमरान की आखिरी आयतें हम लोगों ने कर ली और यूज कर रहे हैं, सूरतुल कहफ की शुरू की आखिरी आयतें वो भी हमने यूज कर ली है या कर रहे हैं, जो भी तो जिक्र अस्कार हो ही रहे होते तो कैसे ऊपर जाएंगे। जब तक सफाई सुथरा, घर साफ नहीं, बिस्तर साफ नहीं, सोफे साफ नहीं, घर कमरा साफ नहीं, तो कैसे जाएंगे यहाँ खुद, तो फरिश्ते नहीं आएंगे ना फिर। तो यही बात देखे इस हमें मिलती है, ये सबक हमें मिलता है ना। तो इस पर सख्त वही है कि कुत्ता और तस्वीर तमाशील होंगी तो फरिश्ते ही नहीं आएंगे। और इसलिए कुत्ते का भी जिक्र है कि कुत्ता घर के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, शिकारी कुत्ता रख सकते हैं, घर की रखवाली के लिए कुत्ता रख सकते हैं, जो हिफाजत के लिए हो, लेकिन वो बाउंड्री में होगा घरों की ना। आपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारी बाउंड्री वॉल में होता है ना डॉग भी जो हम रखते हैं, तो उसकी इजाजत है, क्योंकि वहां पे चोरी डकैती का बहुत ज्यादा खतरा होता है ना हमारे घर। यहाँ तो देखिए बाउंड्री वॉल भी नहीं है, वहां तो ऊंची ऊंची बांध रहे हैं, उसके ऊपर भी पता नहीं सलाखे और लोहे की और शीशे इलेक्ट्रिक के वायर के हम वो बचे। तो कुत्ते को रखने से भी फरिश्ते नहीं आते, हर रोज एक करत कुत्ता रखने से हर रोज एक करत नेकी वो इंसान के नामा अमा से माइनस होती रहती है, इसलिए हमें एहतियात बरतनी चाहिए। मैंने कहा इसको हम और डिटेल से कर लें ताकि हम तफासिर। अच्छा, आप जो मैगजीन और रिसाले वगैरह आते हैं उसको फोल्ड करके रख दें, फोल्ड कर करके थैलों में डाल डाल के करके रख लें, और आपका काम खत्म हो जाए तो आप उसको फेंक दें, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं 4:50 से, ठीक है। हमारा आज का सबक शुरू हो रहा है, तो वाजे हो गया ये पिछली थोड़ी सी, मुझे लगा कि हम उसको कर लें। 4:50 से हम शुरू होते हैं इंशाल्लाह। हमारा सबक 4:49 तक हमने कर लिया था, 4:50 चले सब लोग निकाल लें। 4:50 हद्दसना या इब्नु सुलेमाना काला हद्दसनी इब्ने वहाब काला हद्दसनी अमरु अमरु अन सालिमिन। अब ये जो है ना असल में इनका नाम है, ये अमरुन आपने पढ़ा ना, अमर बिन हारिस इनका नाम है। क्या नाम है? अमर बिन हारिस है। और इब्ने वहाब भी आपने ऊपर पढ़ा ना, इसकी नरेशन में, इस हदीस की नरेशन में इब्ने वहाब भी है। तो इब्ने वहाब कहते हैं, अब क्या कहते हैं, किनके मुतालिक कहते हैं, ये अमरुन अमरुन लिखा हुआ ना, तो अमर बिन हारिस के मुतालिक इब्ने वहाब हमें बताते हैं कि मैंने 370 उस्तादों से समा किया। कौन कहते हैं? इब्ने वहाब। समा, सीन भी मैंने समा यानी मैंने सुना। कितने उस्तादों से हदीस सुनी? 370। हम एक के पास नहीं आते 370 से समा किया, और मैंने अमर बिन हारिस से ज्यादा हाफिज हाफजे वाला किसी को नहीं देखा। जो बात के इनके बाद है ना, इब्ने वहाब के बाद क्या है? हद्दसनी अमरुन है ना, तो ये आइन से है, ठीक है। अमर बिन हारिस से ज्यादा हाफजे वाला किसी को नहीं देखा, और ये हदीस उन्होंने अमर बिन हारिस से रिवायत की है ना। इब्ने वहाब किससे रिवायत कर रहे? अमर बिन हारिस से। अब कहते हैं कि इब्ने वहाब कहते हैं कि अमर बिन हारिस ने लाजिम किया था कि रोजाना 3 हदीसें जबानी याद करूंगा। अमर बिन हारिस जो रिवायत कर रहे हैं, उन्होंने क्या लाजिम किया था अपने ऊपर? हमने अब पिछली जो हमारी थी ना, उसमें दो छोटी छोटी हदीसें थे, वो आपको याद करनी, ठीक है। इब्ने वहाब कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इब्ने वहाब कहते हैं कि मैंने जमीन में इल्म की राह ली, ठीक है। इल्म लेने जाते थे, कहते 370 लोगों से पढ़ा, तो कहते इब्ने वहाब कहते कि मैंने जमीन में इल्म की राह ली, चार लोगों से मैंने इल्म की राह चार लोगों से पाई, इल्म की राह चार लोगों से पाई, दो मिसर। पहले तो वो उनका बताया अमर के, उनकी याददाश्त हाफजा बहुत अच्छा था। तो मैंने इल्म की राह चार लोगों से पाई, दो मिसर में थे, दो मदीने में। अमर इबन हारिस, एक तो अमर बिन हारिस मदीने में, और लैद बिन साद मदीने के, और मिस्र में मालिक बिन अबू महजसून से मदीने में उनसे इल्म हासिल किया। ना सिर्फ ये हदीस बयान करने वाले थे बल्कि अदब और तमीज सिखाने वाले भी थे, और सालिम बिन अली के बेटे को तालीम देते थे, उसका बुरा हाल था, यानी हदीस के अलावा ये क्या करते थे? तालीम भी करते थे। तो सालिम बिन अली के बेटे को तालीम दे देते थे, उसका बुरा हाल था, लेकिन जब उन्होंने सालिम बिन अली के बेटे को तालीम दी, उसको तालीम देना शुरू की, अदब सिखाया, तो उनका हाल अच्छा हो गया। देखिए तालीम का ये फर्क पड़ता है, हाल अच्छा हो गया। अमर बिन हारिस
अमर बिन आरिस को लोग देखते तो सफ़े बनाकर खड़े हो जाते। वो उनसे कुरान, हदीस, फिक, शायरी और हिसाब के बारे में सवाल करते। क्या क्या जानते थे अमर बिन हारिस, जो ये रावी हैं? क्या फिक, शायरी, हदीस और हिसाब के बारे में लोग उनसे सवाल करते। जब वो निकलते तो क्या करते, लाइन लगाकर खड़े हो जाते, और जो वो जहां से गुजरते तो लाइन लाइन होती, मौदीस तमाम मौदीस मौदीसिन के घर के बाहर भी लाइन होती। आपने पढ़ा था ना, शादी कहते थे, मैं बहुत छोटा था और मैं जो है किसी हमारी हदीस गुजरी थी कि मैं लोगों के घर के बाहर बिस्तर डाल देता था, और लोग कहते थे कि आप वो थे इब्न अब्बास, ए अल्लाह के नबी के चचा के बेटे, आपने हमें कह दिया होता, हम मौदीसीन के घर के बाहर वो क्या करते थे, चले जाते थे। और एक शख्स जो है, हर शख्स जो है अमर बिन हारिस से अपनी अपनी किसी ना किसी अशकाल के बारे में सवाल करता जाता था, यानी कि वो चलते जाते थे और लोग जो है लाइनें सफे बना लेते थे, क्योंकि उनको पता था ना कि ये इतने आलिम है। 370 लोगों से सुना उन्होंने, तो कितना इल्म होगा, 370 उस्तादों से सुना, तो लोग लाइनें लगा लेते थे, सफे बना लेते थे, और उनसे जो भी अशकाल होती थी, जो भी चीजें समझ नहीं आती थी हदीस के मुतालिक, फिक के मुतालिक, बता रहे ना, फिक था, हदीस था, कुरान था, अदब का इल्म था, वो सारा उनसे सवाल करते थे, लाइनें बना रहते थे, और जो है सवाल करते थे। इन कमरों में लिखे ये भी मशहूर नहीं है कि इल्म के लिए हम बड़े बड़े लेक्चर हासिल करें। कोई भी ऐसा आपको इल्म वाला लगता है तो आप उसके साथ चल रही है वॉक, जैसे आप लोग वॉक का प्रोग्राम बना लें तो अपनी हदीसों को रिवाइज कर लें, तो एक भूल गई तो दूसरी ने, अब जब यहाँ मैं सवाल करती हूँ तो आप कोई पॉइंट बताती, वो कोई मौका, सबके पॉइंट्स होते हैं ना जो लिखे होते हैं, या आप जैसे अपने बोल रही होती, जो भी होती है, तो इल्म हर जगह हासिल किया जा सकता है ना। चलते हुए भी आप वॉक करते भी, एक दूसरे के घर भी जा रहे तो राह चलते हुए भी इल्म सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, देर नहीं करनी चाहिए। और हम ये देखते हैं कि आप ससम खाते हुए भी कुछ ना कुछ बता देते थे, ऊँट पर चलते हुए भी कुछ ना कुछ बता देते थे साहबा कराम को, ठीक है। तो ये हमारी हदीस कौन सी थी, 450, ठीक ठीक है। अब 451 करते हैं इंशाल्लाह। 451 पढ़ती हूँ मैं। हदसना इस्माइलू काला हदसनी मालिक काला हदसनी मालिक अन सुमय, जैसे आप सुमैया रात नाम रखते हैं ना, तो ये सुमई लड़की लड़के का नाम है। अन अबी सालिन अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह अनु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल इज़ा कॉल अल इमामु समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तो ये हदीस हमें अबू हुरैरा रदी अल्लाह अनु रिवायत करते हैं, और पीछे और भी नरेटर्स थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कॉल अल इमामु समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब इमाम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फ़कूलू तो तुम लोग कहो, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, तो क्या कहते हैं हम, रब्बना लकल हम्द कहो। फइन्नहु मन वाफका कौलुहु, तो जिसके कौल से, जिसके कहने से मुवाफ़त हो गई फरिश्तों के कहने के साथ, तो गुफिरा लहू, तो अल्लाह उसको बख्श देगा, मा तकद्दमा, कौन से गुना, उसके तकद्दमा जो गुजर चुके, जो अगले गुना थे, तकद्दम अगले गुना बख्श दिए जाए। अच्छा, इन्होंने यहाँ लिखा अगले गुना, तकद्दमा जो गुजर चुके, अच्छा इसमें अगले गुना, ठीक है, अगले पिछले गुना, पिछले वो गुजर गए, अगले आने वाले, हाँ, गुफेरा लहू मा तकद्दमा मिन ज़म्बिही, उस तो जिसका कहना फरिश्तों के कहने से मुआफ़त खा जाए, लड़ जाए, उसके अगले गुना बख्श दिए जाएंगे। देखिए, अब तो हमने पिछली हदीसों में पढ़ा था, और हमेशा हमें ये तो मालूम ही है कि इमाम के गैर मग़दूबी अलैहिम वलद दौलीन कहने के बाद जो आमीन कहता है, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मुआफ़त कर गई, उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो हमें अब पता चलता है इस हदीस नंबर 451 से के उसके अलावा रब्बना लकल हम कहने से भी गुनाह माफ हो जाते हैं, वो भी इमाम के जवाब में कह देना चाहिए। गैर मग़दूब अलैहिम के जवाब में आमीन कहेंगे तो आमीन के अलावा रब्बना लकल हम समी अल्लाह लिमन हमीदा, वो जब कहे सजदे से, हाँ बिल्कुल सही कह रही, सजदे से उठते हैं, रुकू सॉरी, हाँ समी अल्लाह लिमन हमीदा का तर्जुमा करें जल्दी से, समिया सुन लिया, लिमन लिए वास्ते मन जिसके, समी अल्लाह ने सुन लिया, लिमन हमीदा जिसके लिए तारीफ की गई, किसके लिए तारीफ की, अल्लाह के लिए, अल्लाह ने सुन लिया जिसके लिए तारीफ की गई, रब्बना वलकल हम्द,
बना है हमारे घर लका आपके लिए, लकल हम आपके लिए, तमाम तारीफ आपके लिए, अल्लाह तमाम तारीफ आपके लिए। तो अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ साथ अगर ये हमारी मुआफ़त हो जाए उनके हमारे कहने में, तो क्या होगा कि गुनाह जो है अगले या पिछले माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो तर्जुमे भी किए तो शारीन ने किए तो सही किए ना, हम उनसे ज्यादा इल्म नहीं रखते। तो तकदम आगे बढ़ जाना होता है ना, तकदमा क्या होता है, आगे बढ़ जाना ना, तो अभी गुनाह हमारे माफ हो जाए। ठीक है, फरिश्ते एक दूसरे से ये करते हैं, सबसे चाहते हैं कि अब ये कह रही है कि वो जब हम कहते हैं ना समी अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लक हम्द, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हमदन तारीफ कसीरन बहुत मुबारक और तय्यब पाकीज़ा मुबारक, तारीफ अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फरिश्ते जो है ना एक दफा किसी साहबी ने कह दिया, तो अल्लाह ने फरमाया ये कलमात किसने कहे, कि इसको फरिश्ते लिखने के लिए कह रहे थे कि मैं लिखू मैं लिखू मैं लिखू मैं लिखू, यानी कितने फरिश्ते कह रहे थे कि मैं लिखू मैं लिखू। ठीक है ना, इतने ज्यादा फरिश्ते इसको लिखने के लिए वो हो रहे थे कि हम लिखे, तो वो भी हम कहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ दर्जा बहुत है जी, 452 452 करेंगे। हाँ 452 ठीक है। हदसना इब्राहिम नू इमना इब्नुल मुनजरी मुनजरी हदसन, यही है 452 है। हदसन नू फुलाही हदसना अभी अन हिलाल इब्नी अली अन अब्दुल रहमान इब्नी अभी अमरता अन अभी हुरैरा रजी अल्लाह अनु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल अहदुकुम फी सलातिन मा दामत सलातु तहबिसुहु। इसको भी अभी हुरैरा रजी अल्लाह अनु रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि हजरत ससम ने फरमाया कि अहदुकुम फी सलातिन मा दामत सलातु तहबिसुहु, कि तुम में से कोई जब तक नमाज के लिए ठहरा रहे उसको नमाजी का सवाब मिलता रहता है। वह मलाइकतु और फरिश्ते तकुलू उसके लिए कहते हैं या उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, या अल्लाह इसको बख्श दे, हू यानी इसको बख्श दे, वरहम हूँ वह और हम हूँ उस पर रहम कर। ठीक है, मालम यकुम माँ नहीं लम मालम नहीं यकुम, वो खड़ा होता कब तक, जब तक कि वो खड़ा नहीं होता अपनी जगह से इस सलात ही नमाज की जगह से, यानी जब तक वो अपनी जगह से जहाँ नमाज पढ़ता है सिरके नहीं हटे नहीं, और युदिस या उसको हदस ना हो जाए यानी विंड पास हो जाए और जो है वजू उसका टूट जाए, जब तक अगर वो जानमाज पे बैठा रहता है नमाज के बाद, यानी अस्कार करने चाहिए हमें नमाज के बाद के जितने अस्कार है ना, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा अंतस सलाम अमीनकस सलाम तबारक या जी जलाल वल इकराम अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع جدا من تجدد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير। ये सब पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ेंगे اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من رد الى عذابكم واعوذ بك من فتنه الدنيا وعذاب القبر। उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, उसके बाद 33 बार मैं आस्था कर रही हूं, ऊपर जाओ, ये कोई तरीका आप, उसके बाद चौथे कलमे में जवाब अभी मैंने ऊपर पढ़ा था ना, उसमें ये भी मिलाना है, वला नअबुदु इल्ला इय्याहु मुखलिसीना लहु दीन वलो करियल काफिरीन, वो जो चौथा कलमा मैंने पढ़ा था ना आयतुल कुर्सी, उसमें ये करेंगे, वला नअबुदु इल्ला इय्याहु मुखलिसीना लहु दीन वलो करियल काफिरीन। उसके बाद आप पढ़ेंगे 33 वो पढ़ने के बाद सुभान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, चौथा कलमा करने पढ़ने के बाद आप कहेंगे सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं पहले कुल औजु बिरब्बिल फलक कुल औजु बिरब्बिन नास सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ यही जो ऑथेंटिक अस्कार है यही पढ़ लें तो क्या होगा, क्या दुआ होगी, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू, अल्लाह इसको मफ़रत कर दे और उस पर रहम कर दे, और रहम और मफ़रत और रहम अल्लाह ताला कर दे तो जगह जगह उसकी रहमत बरसेगी और आपके काम आसान होंगे। इसलिए आप नमाज से उठने की जल्दी ना करें, आराम से नमाज पढ़े, अलखुशू और खुजू और तजल्लुल के साथ अल्लाह के साथ उम्मीदियत होकर, अल्लाह के आगे ही झुकेंगे ना किसके आगे, और अल्लाह के सामने अपने आप को हकीर जानते हुए कि वो तो एक सुपरफिशियल पावर है, बहुत ही खुशू खुजू और जुल्म तजल्लुल से नमाज पढ़ें। उसके बाद आराम से बैठें, सलाम फेरने के बाद आराम से ये अस्कार सबके पास है ना, ये अस्कार पुरानी उम्र सुन दो उसमें
अवैया का नस्तईन, ठीक है, ये ज़रूर आदत डालें और सबको याद भी है इंशाल्लाह, ठीक है। तो नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठे रहने का सवाब जारी रहता है और जो है फरिश्ते दुआ करते रहते हैं जब तक के क्या हो ना हो, जब तक क्या ना हो, हाँ वो नापाक ना वो उठ ना जाए, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस कर लें क्योंकि इतने सवाब हैं। अब आप देखें ना दीन से दूरी क्यों है, हमें इंसान जो है ना बहुत ज्यादा उसकी एक आदत है कहाँ सवाब मिल रहा है कहाँ फायदा हो रहा है। तो आप देखें अगर हम नमाज ही अच्छी पढ़ लें हमें लगता है ये काम रह जाएगा, नहीं, नमाज 10 से 15 20 मिनट लेती है उसके बाद तो काम इतने आसान हो जाएंगे, इतने आसान हो जाएंगे, ये जब सब करना होता है ना दर्स और ये और वो मैं सारे काम छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ ये ना तैयार हुआ ना, लेकिन ऐसी गैबी मदद आती है, ऐसे मुश्किल मुश्किल रहने बरकत तो ऐसे मुश्किल मुश्किल काम हल हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं। फिर मुझे वो भी हदीस से मिलती है ना कि एक साहबिया जो थी वो कुरान पढ़ाती थी बहुत ज्यादा बच्चे अज़वाज मुतहरात में से थी, कहती थी अल्लाह अब इबादत का टाइम नहीं बचा इसी को इबादत में मिलते। तो आप जो है अपना सबक जो है ना जो भी याद करने की चीज़ें इस पर से गुजरे उसको इबादत के टाइम में करें। कोई तो एक टाइम होगा अल्लाह से के लिए आपने खाली छोड़ा होगा फजर के बाद, और जब भी आपके बच्चे नहीं होते जो भी नहीं होते फजर के बाद का तो अफजल वक्त है, मगर आप लोग को स्कूल कॉलेज भेजना होता है, बहरहाल अल्लाह को तो जब भी जी असर के बाद भी आप असकार कर सकती हूँ। तो ये जाके आप इसको, मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ, एक इल्म होता है सतह पे है ना, एक होता है डीप डाइव करके, डाइव करके डाइवर्स क्या लाते हैं सीपें मोंगरे मोती क्या क्या प्रेशियस क्या क्या चीजें ले आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा इल्म हासिल करें कि देने वाले बने, ठीक है। आगे चले 453 ये वाजे हो गई, चले तो आप रब्बना लकलम, आज इतने कॉशियस हो जाएंगे ना कि रब्बना लकलम, रब्बना है हमारे रब लकलम तमाम तारीफें आपके लिए, कि कह क्या रहे है ना, समय अल्लाह लिमन हमीदा सुन लिया उसने जिसकी तारीफ की गई, अल्लाह ने सुन लिया उसकी तारीफ। तो अच्छा उसके बाद हम चलते हैं क्या पढ़े, 453 हदसना अली इब्न अब्दुल्लाह हदसना सुफयान अन अमर वन अताइन अन सफान अबन अयाला अन अबीही रदी अल्लाह अनु खाला। अब ये याला जो है ना, याला को हम देख लेते हैं, अच्छा याला के मुतालिक पढ़ते हैं। याला बिन अमना साबी हैं, उनका नाम उबैद है, बास कहते हैं कि जैद है, ये फतह मक्का के दिन मुसलमान हुए थे, या ऐन लाम या है ना याला, फतह मक्का के दिन के बाद, फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे। देखें आखिर में मुसलमान जब मक्का फतह हुआ तो आपसे थोड़ा ही वक्त रह गया था गजवाए, और देखें हदीस भी रिवायत कर दी और आगे बढ़ गए ना। तो आप कभी ना सोचे अभी हम पढ़ रहे हैं, बस अब मेहनत करें, ठीक है। गजवाए ताइफ में शरीक हुए और हुनैन में भी, और इसके अलावा तबूक में भी, आप देखें गजवाए ताइफ में गए, हुनैन की लड़ाई में गए, उसके अलावा तबूक, जैसे ही मुसलमान हुए जिहाद भी कर लिए है ना, रोना धोना नहीं कि अब तो मैं बहुत देर में मुकरमा हुआ, अब तो मक्का भी फतह हो गया, अब तो सारा कुछ हो गया, सारे सफर पे गए जब अल्लाह ने हिदायत दे दी, ठीक है, अब आप जुड़ जाइए, अब आप जुट जाइए, अब जहाज मतलब मिलकर खूब मेहनत करें, ठीक है, अपनी इबादत अपनी हर चीज अपने फराइज अंजाम दे अच्छे। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना आया, आप ससन के बाद वो खलीफा बने, तो उन्हें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इताअत के मौके पर गवर्नर बनाया था। इताअत क्या होता है, जब सब मुर्तद हो जाते हैं ना दीन ला के, भी दीन पे ईमान ला के भी बाद लोग मुर्तद हो गए ना, तो उन्होंने मौके पर गवर्नर ना बनाया उस इलाके का। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना आया, उन्होंने नजरान का गवर्नर बना दिया, ठीक है, ये एक नजरान था सऊदी अरब में, ठीक है। फिर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हुए, उन्होंने यमन का गवर्नर बना दिया, और सना के मकाम पर उन्होंने क्याम किया था, और बहुत जवाद थे। जवाद क्या है, अभी आप ससन की हदीस पढ़ी थी, अजवन नास, अजवदन नास, बहुत ज्यादा सखावत करने वाले, अजवदन नास, देखिए अरबिक टर्मिनोलॉजी याद है, अजवदन नास, घर पे जाके पढ़ा नहीं है, खोला नहीं है तो कैसे याद हो, अपने कुरान का टाइम, ये भी तो सारी आयतें होती है, लगा दे प्लीज, इल्म ऐसा करें कि लोग कहें ना अजवदन नास। उसके अलावा मैं ये करके फिर एक बात बताती हूँ, मुझे बताइएगा, चलिए ये हो जाए। अच्छा अब कितनी जगह किस किस ने गवर्नर बनाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर ने, उस्मान ने, ठीक है, और बहुत जवाब, और मुसलमानों की इज्जत करने वाले, एक तो आप इज्जत करेंगी तो इज्जत मिलेगी, और आपको पता है माल की हुर्मत है, जान की हुर्मत है, इज्जत की हुर्मत है ना, हुर्मतें आपने पढ़ी है ना, मैंने पढ़ा था ना आपके पास सारी चीजें, हमने पढ़ा मुसलमानों की इज्जत करने वाले और बहुत खुश अखलाक इंसान थे। आपको पता है अखलाक वाला इंसान भी है जन्नत में जाएगा,
और वो सिद्दीकीन शोहदा अम्बिया के साथ खड़ा होगा। अच्छा अखलाक भी जन्नत में, कब्र में फरिश्ता आएगा कहेगा कि नहीं नहीं मैं तुम जो है ना वो मुर्दा, उसको मौत जो है वो मुर्दा कब्र में कहेगा कि क्योंकि सफेद पोश होगा, तुम तो कौन हो, बड़े नूरानी चेहरे वाले, चेहरे से ही अच्छे लग रहे हो। कहेगा मैं तुम्हारा कुरान हूँ जो तुम मुझे आना अल्लैल व आना अन्नहार पढ़ा करते थे। फरिश्तों का जवाब दे दो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ खबर में। फिर एक रिवायत में तो वो कहेगा मैं तुम्हारा अच्छा अखलाक हूँ जो तुम लोगों से अच्छा पेश आते, लोग खुश होते थे ना, बुरे मुंह बनाना कितना बुरा लगता है, सलाम का सही जवाब नहीं, अपनी परेशानियां, दूसरों हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त हम जो अल्लाह कहता है वला खौफ होना नहीं वला हम या जुनून, कोई खौफ और कोई गम नहीं होना चाहिए, गम की दुआ पढ़ लें ये दुआ पढ़ लें, ठीक है, हम गम की तो बहुत सारी दुआएं वो पढ़ लें जी। फिर उसके बाद जो है और बहुत जवाब और मुसलमानों की इज्जत करने वाले बहुत खुश अखलाक थे। याला बिन उमैया, अच्छा आप बताएं क्या खास बात थी जो हर खलीफा ने, तीनों खलीफा है तो अमीरुल मोमिन खलीफा ने उनको मुख्तलिफ इलाकों का गवर्नर बनाया, क्या बात थी? याला बिन लीडरशिप क्वालिटी, सारी चीजों के अलावा एक आपने लीडरशिप, हमसे तो हमारे घर की लीडरशिप नहीं हो रही, बच्चे हो यहाँ कंट्रोल में, या इलाही हमें ऐसी वहम फरासत और या इलाही ऐसा कोत फैसला अता कर दे इलाही, क्योंकि हम निगरान है ना अपने बच्चों पे, कुछ और भी बेचारे हमसे मशवरा लेते गलती ना दे दे उनको मशवरा, तो लीडरशिप क्वालिटी तो हिकमत पढ़ के कुरान और हदीस पढ़ के आएगी ना, ठीक है ना। मैंने क्या बात था कि हुबुल फेल हो जाए तो हमें ना मौसम का हाल पता चलेगा या क्या होने वाला कुछ ना, हुबुल नाम रखा है उन्होंने जो उनका जो बुत था, हुबुल भी बुत था ना जिसकी लोग पूजा करते थे मक्का में, ठीक है, तो हुबुल को टेलीस्कोप इतना बड़ा है कि दुनिया की वो खबरें देता है आपको मौसम क्या हाल फलाना ये वो सैटेलाइट में, वो फेल हो जाए लेकिन ये कुरान और हदीस तो ऐसा टेलीस्कोप है कि कुछ भी नहीं, हमें हमेशा हमेशा 1400 साल से और कयामत तक रहेगा, तो इसको पकड़ लें। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि दो सिरे हैं, एक सिरा अल्लाह के पास है एक नीचे जमीन पे, कुरान और हदीस को इस रस्सी को अल्लाह की रस्सी को मजबूती से तांबो। तो और फिर सहाबा की भी क्वालिटी का पता चलता है, उमर उस्मान और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुम की, अन्हुम क्यों का प्लूरल है ना, मर प्लूरल प्लूरल है ना, हम गर्दान करेंगे ना इंशाल्लाह उसमें किसमें गर्दान करेंगे ग्रामर में तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सहाबा की भी क्वालिटी पता चलती है कि लोगों को लोगों की सलाहियतों को पहचानते थे और उनके पोटेंशियल को पहचानते थे, उसके मुताबिक जो है जिम्मेदारी सौंपते थे, मांगने वाले को नहीं देते थे, सोचते थे शुरा बैठती थी कौन किस काबिल है, हमें तो यही नहीं पता कि हमारा बच्चा क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है, अक्सर शिकायतें होती है मम्मी मम्मी ये नहीं बनाया, आपको ये नहीं पता था मैं पसंद करती, तो ये सब जो है इतना करीब आप सस्म को क्यों लोग चाहते, नाम से लोगों को पुकारते थे, अबू हुरैरा तुम्हारी बिल्ली कैसी है, फला तुमने शादी कर ली है, तुम्हारे उसको वो जर्दी का रंग जाफरान लगा लेते थे, तुमने वलीमा किया, यानी कि हरीस होते थे कि दीन दीन से जोड़ते थे कनेक्ट करते थे। चले आगे चले, अच्छा नहीं आगे नहीं इसी को पूरा करें ना, इसी हदीस को हमने याला को पढ़ लिया ना, याला नबी, अच्छा अन अताइन अन सफवान इब्ने याला अन अभी रजी अल्लाह अनु, अब याद आएगा आप लोग नोट सीख लीजिएगा कि इनको तीनों गवर्नरों ने गवर्नर बनाया था। अच्छा की पॉइंट्स लिखा करें ओनली, तीनों खलीफा ने गवर्नर बना लिया था, ठीक है, और जो है तमाम तीन जगह का काला समेत उन की पॉइंट्स लिखा करें फिर आपको कहानी याद आ जाएगी। काला समेत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो याला नबी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि मैंने आज़र सल्लम को सुना यक़रा अलल मिंबरे, आप मिंबर पर पढ़ रहे थे, यक़रा जब भी आए तो क्या होगा, क्या पढ़ना, कुरान पढ़ना, ठीक है ना, सूरह यानी कि वो सूरह ज़ुख़रुफ़ की इस आयत को पढ़ रहे थे, वना दो या माली, लिख लिया सबने, हाँ वना दो या माली, क्या पढ़े थे आप सरसम मिंबर पर खड़े होकर सूरत जुखर की आयत, इसको यूं पढ़े थे वना दो या माली, क्या पढ़े थे माली, ठीक है। काला सुफियानु, और सुफियान कहते हैं फी फराती अब्दुल्लाही वना दो या माली, सुफियान ने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद ने यूं पढ़ा वना दो या माली, ठीक है। अब ये जो है ना असल में ये मालिक की तरकीम है, जन्नत के दारों का नाम क्या है, मालिक, अब माली जो है ना काफ निकाल दिया,
तो मालिक की तरकीन, मालिक जो है मालिक की तरकीन है, तरकीन कहते हैं आखिरी का आखिरी हरफ को गिरा देना, इन्होंने काफ गिरा दिया, मालिक को क्या पढ़ा, मालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अब्दुल्ला मसूद ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पर मिंबर पर पढ़ रहे थे, ठीक है ठीक है। मालिक दोजक के दारोगा का नाम है, चौकीदार का नाम है, जिसके दिल में बिल्कुल रहम नहीं होगा, रहम नहीं होगा, जब भी तो वो जलता हुआ देख के सुनेगा नहीं ना। एक ये भी एक फरिश्ता है, तो इस ये हदीस को इमाम बुखारी रहमल्ला इस रहमतुल्ला इसलिए लाए हैं कि इसमें फरिश्तों का नाम आया ना, इसमें फरिश्ते मालिक का नाम आया। आप लोग ये करें, ये बाबो मलाइका पढ़ है ना, मलाइका का बाप, जिक्र मलाइका, तो जिक्र मलाइका की सारी हदीसों को देखें, शुरू कर दें तो एक हफ्ते में 10 हदीसें ले लें। और आप एक लिस्ट बनाएं, क्या लिस्ट बनाएंगे, ये फरिश्तों के क्या क्या काम है, उसमें मालिक का लिखें, जिब्रील का लिखें, सबका लिखें, ठीक है सही, ताकि कहीं तो एक किताबचा बनाए, कुछ तो करके जाए दुनिया में, उसको इतना अच्छा लिखे कि उसको फिर अल्लाह करे छाप दे, लोगों के पास आ जाए कि क्या क्या है। और जितने आप दर्स हो ना उसमें आप देखें कि फरिश्ते क्या करें, फरिश्तों का क्या जिक्र है, आपने पॉइंट लिखना की पॉइंट, ठीक है, और फिर रिकॉर्डिंग से सुन लें, फिर आपको याद भी आ जाएगा, ठीक है। तो मालिक क्या है, किसकी तरकीम है, मालिक की, असल में मालिक है, लेकिन आपसे असल में क्या पढ़ा है, मालिक, ठीक है ठीक है। एम ये आपको हदीस बताए, माली मी मलिक मा लाम कसरा ली मी अलिफ फता मा लाम कसरा माली, ये हदीस बता रही है आपको, ठीक है, हदीस में लिखा हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालिक के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात ख्वाब में मैंने देखा कि दो शख्स मेरे पास आए, कौन होते शख्स, फरिश्ते आते हैं ना, उन दोनों ने बताया कि वो जो आग जला रहे थे वो जहन्नुम के दारोगा मालिक है। यानी ऐसा लग रहा है इस हदीस से कि आप ससम को दिखाया गया कि आग जला रहे हैं, और वो बताया कि जो आग जला रहे थे ना अल्लाह के ससम, वो कौन थे, मालिक थे, आप ससम ने ख्वाब में देखा। और नबी के ख्वाब भी, अम्बिया के ख्वाब भी सच्चे थे। अब्दुल्ला इब्ने अमरु रिवायत करते हैं कि जहन्नमी लोग मालिक को पुकारेंगे कि हमारी सिफारिश करो, जो जहन्नम में जाएंगे ना जल रहे होंगे, हमें जहन्नम से निकाल दे, अपने रब से शिकायत करो कि अल्लाह हमारे हमें जहन्नम से निकाल दे, क्योंकि अल्लाह तो उनकी सुन नहीं रहा, तो मालिक ही नजर आया उनको, माली या मालिक, ठीक है। तो उन्हें 40, अब कहीं आप किसी हदीस में माली पढ़ें तो आपको पता चले कि आप ससम ने मिंबर पे खड़े होके जब इस आयत पढ़ रहे थे तो मालिक कहा था, ठीक है। तो ये हदीस आप, ये सॉरी, आप ये जो है उज़मा जी, आप डाल देंगे सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है ना ये, जिसमें मालिक का जिक्र है, ठीक है, हाँ ठीक है उसमें डाल दें, आपके उसमें अजाब है, ठीक है डाल दें, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कुछ सूरतों के दो नाम है ना, इसरा, बनी इसराइल का नाम है सूरत इसरा भी, तो हमें जहन्नुम से निकाले तो उन्हें 40 साल तक जवाब भी नहीं देगा, एक दिन एक, अब हमें देखे एक दिन एक घंटा एक रात गुजारना कितना मुश्किल होता है, कहाँ ये कि जहन्नुम का दारोगा 40 कोई हमें जवाब ना दे, व्हाट्सएप पे ही जवाब नहीं दे रहा होता है, या बच्चा जवाब में पानी दो पानी दो पानी दो तो इग्नोर करता है, आप बैठे लिख पढ़ रहे हैं, आपका दिल नहीं हो रहा है तो आप बच्चे को आवाज देते हैं, आपको कितना बुरा लगता है, पानी नहीं दे रहा है मुझे, मेरी पेन गिर गई उठा के, तो कितना बुरा लगता है एक लम्हे के लिए, दिन और रात और शाम तो छोड़े, तो वो कहाँ के 40 साल तक वो जवाब नहीं देगा, वो जलते रहेंगे, फिर वो जवाब भी देगा तो कहेगा कि तुम यहीं ठहरने वाले हो, अब कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा, फिर वो अपने रब को पुकारेंगे, कहेंगे हमारे रब हमें इसे निकाल दे, अगर हमने दोबारा इस तरह किया तो बेशक हम जालिम होंगे। अल्लाह ताला ने वो कुरान में कहता है कि दोबारा भी उनको भेजा ना, कई जगह आता है कि अल्लाह दोबारा भेज दे तो फिर भी तुम नहीं करने वाले, तुम नहीं मानने वाले, तो वो उन्हें दुनिया की तरह जवाब नहीं देगा, और फरमाएगा इसमें जलील व ख्वार होकर पड़े रहो, क्योंकि दुनिया में उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं दिया था, क्यों दुनिया की तरह अल्लाह जवाब नहीं देगा, क्योंकि दुनिया में तुमने मुझे बुला दिया ना, ये भी आयतें आती है ना, तुमने मुझे, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग, कि तुमने मुझे बुला दिया, आज मैंने तुमको बुला दिया। एक आदमी अंधा उठेगा, कहेगा अल्लाह मैं तो अंधा नहीं था दुनिया में, मैं तो आमा नहीं था, आमा पता है ना, बस आया था वतवल्ला अंजा और आमा, कि मैं तो आमा नहीं था अंधा नहीं था, तो अल्लाह कहेगा कि बस जिस तरह तूने मेरी किताब को नहीं देखता था, अंधा बना हुआ था, नहीं सुनता था, तो आज तू अंधा उठाया गया। तो अल्लाह ताला कहेंगे तुम इसमें जलील व ख्वार होके पड़े रहो, कोई बात ना करो, फिर लोग मायूस हो जाएंगे, उनका कुछ भी ना बनेगा, ये उन लोगों के बारे में है जो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, ठीक है। ये मालिक से जो आई थी ना हमारी अहादीस मुबारका, तो उसको हम पढ़े। उसके बाद हम फरिश्तों का डिसिप्लिन देखते हैं कि वो क्या है, ऑलरेडी काम पर मुकर्रर है ना, तमाम काम पर मुकर्रर है, अपना काम कर रहे हैं, ख्वाब में भी दिखाए गए फरिश्ते, देखें अब आप जाके पॉइंट्स बनाएंगे, फरिश्ते क्या क्या करते हैं ख्वाब में आते, ठीक है।
जन्नत के दरवाजों पर भी फरिश्ते हैं, मालूम है ना आपको? और क्या है, जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और है ना, तो वो दरवाजे कब खोले जाएंगे? आखरत में। और कब खोले जाएंगे आखरत में? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। सबसे पहले कौन दाखिल होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा एजाज है। नहीं, आप जो है वो सुने, अपनी तरह से ना कोट करें, पता है क्या कि सुने, मेरी बात सुने, ये बात बाद में हम करेंगे, क्योंकि फिर क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग भी जानी ना, गलत चली जाएगी और हम भी गलत सुन रहे हैं, इसको बात पता कीजिएगा। हाँ, आपने कहा है, हम इसकी तहकीक कीजिएगा, ठीक है? बिलाल तो वो एक दूसरी हदीस है, आपने उसको उससे जोड़ दिया है ना, अब बुरा नहीं मनाइएगा मेरी बात को, तो क्या मेरी भी देखे, अब वो मेरी भी अटेंशन डाइवर्ट हो गई ना, मेरी भी डाइवर्ट। अगर आप कन्फर्म है तो फिर बताए ना, इसमें डरमानी वो तो वो हदीस है कि वो चले, फिर उस तरफ हम चले जाएंगे कि उन्होंने अपने आगे आवाज सुनी थी ना, तो सबसे पहले कौन किसके लिए खोलेगा जन्नत? आप सरसम के लिए। नमाज के बाद मसल्ले पर बैठना, और नमाज से पहले भी मस्जिद में जाकर इंतजार करना, नमाज के बाद भी आप बैठेंगी, उससे पहले भी बैठेंगी, तो इसी में शामिल हो जाता है कि फरिश्ते अल्लाहुम्मा फिर लहू अल्लाहुम्मा हम हो, मेरे साथ बोले इतने इतने हमें दो दो लफ्ज़ हदीस के मैं याद है, तो हक ही ना आदा हुआ, मैं नहीं कह रही पूरी पूरी भी कर लेंगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो उस वक्त भी फरिश्ते दुआएं करते हैं, उसको रुबात कहते हैं। क्या कहते हैं? रुबात कहते हैं किसको? जो फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करते हैं, रुबात कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जिसके जरिए अल्लाह ताला खताओं को मिटा डाले और गुनाहों को रद्द फरमा दिए। सहाबा ने कहा, जरूर है अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नापसंद पसंदीदा हालात में वजू करना, मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम उठाना। ना पसंदीदा हालात कौन से होते हैं? ठंडी वगैरह, बीमारी में या सर्दी में सारी लगता है। हालांकि हमारे तो टैप में भी अच्छा, अपने कंफर्टर से कंफर्ट जोन से निकलने को दिल नहीं चाहता है। अच्छा, सर्दी में मस्जिद की तरफ मर्दों के लिए जाने को दिल नहीं चाहता है, ठीक है ना? या अल्लाह, मैं गवाऊँ, मेरे शोहर तो, हम सब के शोहर माशाल्लाह, इस पट्टी पे सब, मेरे शोहर नहीं, सब जा रहे होते हैं, सर्दी हो, बूढ़े जवान, मैं देखती हूँ, अल्लाह मैं जो नहीं जा रहे हैं उनको, बहुत अच्छी बात, फिर आमीन कह दें इनकी बात पे। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, और नापसंदीदा हालात में वजू करना, मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम उठाना, ये मर्दों के लिए है, हम भी जा सकते हैं तो जुम्मे में जाएं या ईदन में तो जाना, बस ये तुम्हारे लिए रबात है। तुम्हारे लिए किस चीज का सबब गुनाहों को मिटा देगा, किस चीज का सबब गुनाहों को दूर कर देगा, यही सब चीज है। हाँ जी, अगर ये आप बोलती ना तो तब याद होता है ना, अपनी तरफ से हम कुछ कहें तो फिर वो हदीस गलत है। एक और जगह आप सबने फरमाया, नमाज के बैठने वाला कुनूत करने वालों की तरह है, और वो उस वक्त से नमाजियों में लिखा जाते हैं जब से वो घर से निकलता है। आप घर से निकली हो, नमाजियों में लिखी गई, यहाँ तक कि वो वापस नहीं आ जाता, जब तक घर तक नहीं आ जाता है नमाजी है, ठीक है? तो सारा वक्त आना जाना सब इसमें शामिल हो जाएगा। हदीस अपने बेटे को, शौहर को, आपके साथ छोटा देवर है, भाई है, जो भी है आपके साथ, उनको बताएं, ठीक है? तो ठीक है, अच्छा, अब हम हदीस नंबर करते हैं, चलो ये सब हमारी डिटेल हो गई, अलहमदुल्ला 454, अलहमदुल्ला ये सारा 454, ओके 454 में है। अच्छा, तरखीम किसको कहते हैं? आखिरी अर्फ को गिरा देना। और रबात किसको कहते हैं? रबात फरिश्ते जो हमारे लिए दुआ मांगते हैं। अब इतना सब बैठे रहते हैं ना, सब ये सारे काम करेंगे तो रबात हो जाएगा, ठीक है? ओके, आपका बैठना जो है रबात में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, ये सारी टर्म देखें, याद होनी चाहिए, बल्कि मुझे भी याद दिलाया करे दस में ना। चले, अब हम देखते हैं। अच्छा, 454, دسنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا ابن وہاب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب قال حدثنی عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اب عروۃ بن زبیر ہیں، دیکھنا کون ہے عروۃ بن زبیر؟ بانجے حضرت اسماء ان کی بہن کے بیٹے، اور ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹے عروۃ بن زبیر۔ اور انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا، کیونکہ پردہ نہیں تھا، خالہ سے بیٹے تھے، ڈائریکٹ انہوں نے علم حاصل کیا۔ دیکھیں ایسے لوگ ہوتے ہیں علم حاصل کرنے والے۔ اچھا،
अब वो फरमाते हैं हजरत आयशा से, अन्ना आयशा था रजी अल्लाह अन्हा दस अपनी खाला से, हजरत आयशा से रिवायत करते हैं, अन्हा कालत, कालत क्यों आया, फीमेल है आयशा रजी अल्लाह, कालत ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजत, उन्होंने हजरत सरसम से पूछा हजरत आयशा ने कि हल अता अलैका यौमुन काना अशद्दा मिन यौमिन मिन मिन यौमिन अहदिन, वो पूछती हैं कि आज़ासम से कि अहद के दिन से भी जिस दिन आप जख्मी हुए थे कोई दिन ज्यादा सख्त आप पर गुजरा है, तो आप सरसम ने फाला, आप सरसम ने फरमाया लकत लकीतु मिन कौमी का मा लकीतु, फरमाया मैंने तेरी कौम कुरैश की तरफ से जो तकलीफें उठाई हैं मेरा ही दिल जानता है, ठीक है, वकाना अशद्दु मा लकीतु मिनहुम यौमल अकबती, ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा सख्त दिन मुझ पर अकबा का दिन गुजरा है। अब अकबा का दिन क्या, अकबा एक मकाम का नाम है जो ताइफ की तरफ है, शव्वाल सन 2 हिजरी में अबू तालिब की वफात के बाद आप ससम वहाँ, नहीं शव्वाल 2 नबी में अबू तालिब की वफात के बाद आप ससम वहाँ तशरीफ ले गए, पहले वहाँ के लोगों ने आपको बुला भेजा था, कहाँ के ताइफ के लोगों ने, ताइफ भी उसमें आता है, बाद इसके मुखालिफ हो गए, पहले बुलाया फिर मुखालिफ हो गए, आप ससम को वहां से वहां से बसदर रंजो गम लौटे तो उन मर्दूदों ने पत्थर से, देखे इन्होंने मर्दूद के लफ्ज इस्तेमाल किए जो शरा लिख रहे हैं, मर्दूदों ने पत्थर मारे, एक पत्थर आपकी मुबारक एड़ी पर लगा, आप जख्मी हो गए, ठीक है, तो ये अकबा का मकाम कहाँ है, ताइफ के, ताइफ में, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस दिन मैंने अपने तई, अच्छा उसके बाद है इस अरतु नफसी अलबनी अब्दी या लैला इब्ने अब्दी पर कुलारिन फलम यूजिबनी इलामा अरतु फन तलक्तु वा अना महमूमुन अला वजी, अब ये बता रहे हैं कि जिस दिन मैंने अपने तई कनाना बिन अब्दुल अब्दिया लैल बिन अब्दुल कलाल पर पेश किया, जो ताइफ का रईस था, ये किसके पास गए, ये जो नाम दिया गया ना ताइफ का रईस था उसके पास मैं पेश किया गया, मैं गया, उसने मेरा कहना ना माना यानी इस्लाम ना लाया। अब महमूमुन देखें, महमूमुन के लफ्ज रंजीदा होना, वह अना महमूमुन मैं रंजीदा मुंह से सामने चलता हुआ, अला वजी, वजी का मतलब चेहरा होता है यानी सामने चलता हुआ आया, फलम अश्तफिक इल्ला व अना बिकर्निन बिकर्निन था लिया, अच्छा उसके बाद वो कहते हैं कि वहां से लौटा हूँ, अच्छा वो कहते हैं कि हाँ वहां से मैं लौटा ही ना था कि किधर जा रहा हूँ, यानी मैं बेहोश था, मैंने मुझे होश नहीं था, इतना मारा था लोगों ने कि मैं मुझे होश नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ, जब कर्ण सालिब में जो एक मकाम का नाम है पहुंचा तो जरा होश आया, अच्छा कर्ण सालिब देखने कहाँ है, कर्ण सालिब आजकल कर्नुल मंजिल कहलाता है, क्या कहलाता है, कर्ण सालिब आप क्या लिखा हुआ है ना, सीन ऐन अलिफ लाम बे, कर्ण सालिब जो है वो कर्नल मंजिल कहलाता है, ठीक है, वो नजत की मिकात है, किसकी मिकात है, नजत की मिकात, मिकात आप समझते हैं क्या होता है, मिकात समझते हैं, जहां से एहराम बांधते हैं, तो मुख्तलिफ जगह की 4-5 मिकात है ना, आपको पता है मक्का जद्दा वाले जो आते हैं करने उमरा करने, जद्दा मक्का वाले मस्जिद आयशा से, मस्जिद आयशा से एहराम बांधते हैं, और जो है कर्नल मंजिल जो है, जो पहले हदीस में कर्नल सालिब, ठीक है, सीन सा ऐन अलिफ लाम दा, वो आजकल कर्नल मंजिल कहलाता है, आपको पता ना होना चाहिए, और ये कहाँ की मिकात है, नजद, ठीक है, नजद सऊदी अरब में, करण, अच्छा अच्छा करण जो है ना छोटे पहाड़ को कहते हैं, किसको कहते हैं, छोटे पहाड़ को, और बड़े पहाड़ों में से छोटा पहाड़ करण कहलाता है, नून, ठीक है, करण अल सालिब है ना, करण मंजिल, छोटे पहाड़ को करण अल सालिब जिस जगह का नाम था उसके पास पहुंच गए, आप ससम कहाँ पहुंचे, करण अल सालिब के पास पहुंचे, वो उस जगह का नाम था, वो छोटा पहाड़ होता है, ठीक है, जब करण सालिब जो एक मकाम का नाम है, अब कहते हैं फरफा, जब मैं वहां पहुंचा तो क्या किया, फरफा तू रासी, रास समझते सर या मेरा, फरफा तू मैंने उठाया, तू मैंने, तो मैंने अपना सर उठाया, तो फैजा अना भी सहाबतिन कद अजल लतनी फनजर तू सईदा फीहा जिब्रील, तो आप ससम कहते हैं कि मैंने ऊपर सर उठाया देखा तो अबर का एक टुकड़ा मुझ पर साया किए हुए बादल का, अबर का, और उसमें जिब्रील मौजूद है, फना दानी, निदा किसको कहते हैं, पुकारना, नी या मुझे, फना दानी, तो उन्होंने मुझे पुकारा, पकाला और कहने लगे इन अल्लाह कद समिया कौला कौमिका लका
कहने लगे अल्लाह ने वो सुन लिया जो तुम्हारी कौम ने तुमसे किया, यानी उनको पत्थर मारे और बहुत लहूलहान किया ना, तो उनके जूते भी लहूलहान हो गए, ठीक है, तो सुन लिया जो तुम्हारी कौम ने तुमसे किया, वमा रद्दू अलैका, तुमसे क्या तुमको जवाब दिया यानी तुम्हारी कौम ने, वक़द बासल्लाहु अलैका मलकल जिबाली लितामुरहु बिमा शीता फीहिम, तो फिर कहते हैं कि अब अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फरिश्तों को तुम्हारे पास भेजा है, तुम जो चाहो उससे काम ले सकते हो, बिमा शीता फीहिम, शीता यानी जो चाहो, ठीक है, काम ले सकते हो, फनादानी मलकुल जिबाली, तो फनादानी मुझे पुकारा मलकुल जिबाली, फरिश्तों पहाड़ के फरिश्तों, इसका मतलब क्या पता चलता है सभी से, पहाड़ के भी फरिश्ते हैं, ये देखिए लिस्ट बनाई नहीं, बहुत अच्छा काम है, एक काम कर जाए दुनिया में कुछ तो कर जाए, तो फिर उसका भी हम एक 10 लेंगे, जो बनाएगा आप लोग उसमें से पॉइंट्स बोलेंगे, 10 देंगे, ठीक है, तो पहाड़ों के फरिश्ते तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम जो चाहो उससे काम ले सकते हो, फसल्लमा अलैया, फसल्लमा यानी सलाम किया, अलैया मुझ पर, समझ में आ रही अरबिक, अच्छा इतने में उस फरिश्ते ने मुझे सलाम किया, तुम्मा काला, तुम्मा फिर काला, कहने लगा या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकाला, तो कहा कि अल्लाह ज़ालिका फीमा शेता इन शेता अन अन उकल बिका अलही, कहते हैं कि ए मोहम्मद अल्लाह ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है, तुम जो कहो मैं कर डालूं, ठीक है, अलही मुल्क अख शबैनी, ठीक है, कि तुम जो चाहो मैं कर डालूं, अगर तुम कहो तो मक्का वालों पर, मक्के के दोनों जो पहाड़, अख शबैनी, आप देख रहे हैं दो पहाड़, या और नून है ना, यान उनसे क्या समझती है, तस्निया, तस्निया दो, ठीक है, तस्निया, समझ में आ रहा है सबको, अच्छा आप देखें यहाँ पे, यानी वो आप ससम फरमा रहे थे, यानी सीधा जिधर मेरा मुंह था उधर ही मैं चलता हुआ, यानी जब उन्होंने मारा ना तो मेरा मुंह जिधर था मैं उधर ही चलता हुआ चला गया, मुझे रास्ते का भी होश नहीं था, इतना मारा था, इतनी पिटाई थी, तो अब हदीस में ये जो उक्शयन है वो पहाड़ जो मक्का के दोनों जानिब है, यानी अबू कुबैस और कैकान, ये पहाड़ों के नाम क्या है, अक्षमैन, अबू कै, अबू आपके उसमें नहीं है, आपके हदीसों में नहीं है ये पहाड़ों के नाम, अबू कुबैस और अबुल कैकान, मैं एक बात बोलूँ आप लोग, मेरी प्यारी बच्चियों, मेरी छोटी बहनों, ठीक है, आप लोग ये कहें किताब के बगैर गुजारा नहीं, कोई भी वर्जन मिल जाए आपको, ये ना मिले कुछ भी ले लें, हदीस का मतलब तो सब वही होगा, सिर्फ हमारी नंबरिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, जो भी होगी अब नंबरिंग भी नहीं होगी इंशाल्लाह, जी तो मैं इसीलिए किताब देखिए किताब से चले, मैं फिर मैं लिख के दूंगी, आप लोग मंगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं किताब के बारे में, ये मैं बाद में लिख देती हूँ, अभी नहीं लिखे क्योंकि टाइम पास, जो मैं आपको लिख देती हूँ बोर्ड पे, ठीक है, तो ये अक्षबैन का नाम जो दिया है ना, तो उनके नाम है, इन्होंने कह दिया दो पार, तो उनके नाम है अबू कुबैस, सिर्फ गोशगवार कान हो जाए और कैकान, ठीक है, कैकान, तो क्या हुआ मैं इन दोनों पहाड़ों पर पहुंच गया, बाजों ने कहा सौरा वो हमवा है, ठीक है, बाजों ने ये दो पहाड़ भी कहे, ठीक है, तो मैं पहुंच गया उस तरफ, अब क्या है आगे हम देखते हैं, फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तो आज जी छी, तो आप सल्लम ने फरमाया कि अगर कहो तो, उन्होंने कहा कि अगर तुम कहो तो मक्का वालों को दोनों पहाड़ गिरा दो, उनको मिला दूं, वो सब चिकना चूर हो जाएंगे, तो फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लम ने फरमाया बल अर्जू अन युखरिज अल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन याबुदुल्लाह वहदहु ला युशरिक बिही शैया, कि आप सल्लम ने फरमाया नहीं ऐसा मत करो, मुझको उम्मीद है, अर्जू समझते अर्जू, आपकी एक दुआ भी है ना, अर्जू रहमत का फला तकीली ना नफ्स नफ्सी तरफता ऐनी वासले निशानी कुल्लू, सुबह के अस्कार में पढ़ते ना अर्जू, इसकी तदबीक हो गई ना, अर्जू अर्जू रहमत का, आपकी उम्मीद के, आपकी रहमत की उम्मीद आ रहे, तो मुझे उम्मीद है, यहाँ अर्जू का लफ्ज इसलिए है कि अर्जू के मुझे उम्मीद है कि अगर ये लोग राह पर ना आए तो खैर इनकी औलाद में से लोग ऐसे पैदा, अल्लाह ऐसे लोग पैदा करेगा जो अकेले अल्लाह को पूजेंगे, वाहदहु ला शरीक ला ला युशरिक वाहदहु ला युशरिक बेशया, जो अल्लाह को अकेले पूजेंगे उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, समझ आ गई, यानी सुभान अल्लाह ऐसा शफीक पैगंबर किस उम्मत को मिला, उन्होंने ऐसा सताया मगर आपने उनकी तबाही गवारा नहीं की, और फिर हज्जाज बिन यूसुफ वहां से चले कहाँ गए, एशिया गए, और हम सबरे मुसलमान ताइफ के उसे हमें मिला है, और उन्होंने कह दिया होता फरिश्तों से कि मुझे लहूलान कर दिया, और जी हाँ दो पहाड़ों के बीच में, और ताइफ एक वादी है दो पहाड़ों के बीच में, वैली अवैली इज अ लो लैंड बिटवीन द टू हिल्स,
रावी जो थी दो पहाड़ों के दरमियान की निचली जमीन निचली सतह होती है, तो अगर वो दबा देते तो वो सबके साथ दो पहाड़ों के बीच दरमियान भेज दें तो वो सारे दबाव गए थे, और क्या कहा उनकी औलादों में से। और देखिए ये सब हम बैठे हैं सब कॉन्टिनेंट के एशियन के हम जो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा अभी आतशब का लफ्ज है ना, अक्तशबैन क्या लफ्ज आया आप पढ़े, अक्षब अक्षबैन अक्षबैन ना, तो अक्षब कहते हैं बहुत सख्त किस्म के पहाड़ जो पहाड़ी, आप देखिए आपको टाइप का भी पता चल रहा है कि वो जो दो पहाड़ है अक्षब जो है वो किस सख्त किस्म के पहाड़ होते हैं, उनको अबू कुबैस और अबू कैकान कहा जाता है। ये दो बड़े बड़े पहाड़ थे जो मक्का के गिर्द हैं और ताइफ का इलाका भी इसके बीच में आता है। मैं अच्छी तरह समझ रखी हूँ कि हम ताइफ में हम जो है पिकनिक पे जाते थे, ताइफ पहाड़ी है ना सुपारी लाके पिकनिक गया, और वहाँ के बंदर जो होते हैं ना वो आपने लंगूर सुने बहुत बड़े बंदर, बड़े खूबसूरत बंदर देखने बच्चों को ले जाते थे हम, और पहाड़ी भी इलाका था तो, और वो जद्दा से मक्का से आता है ना जो नक्शा बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बड़े बड़े पहाड़ थे जो मक्का के गिर्द हैं और ताइफ का इलाका भी इसके बीच में आता है। आप सल्लम इशारा फरिश्तों ने फरमाया, मलाइका जबल जबल के पहाड़ों के फरिश्तों ने फरमाया कि अगर आप इशारा करें तो वो दो पहाड़ों को बाहम मिलाकर एक कर दूं, इन सारे लोगों को पिस कर रह जाए, पिस कर रह जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या फरमाया, ये आपका किरदार है, आपने अफूदर गुजर से दीन को फैलाया है, अल्लाह की बात पहुँचाने के लिए लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए आप जो है ऐसे हरीस थे कि आप उनके साथ लोगों ने जितना भी बुरा किया लेकिन जो आपने क्या किया सबके साथ अच्छा किया, आपने उनसे किसी किस्म का इंतकाम नहीं लिया, आप इंतकाम ले सकते थे ठीक है, क्योंकि ओबाश लड़के भी खड़े कर देते जो आपको पत्थर मार रहे थे, इतनी बेइज्जती की थी ना, यानी सफ़े बना ली थी उन्होंने। आप ताइफ में 10 दिन रुके, किसी ने अल्लाह के पैगाम को ना माना, वो रास्ते के दो तरफ खड़े हो गए थे जैसे नहीं खड़े होते रो बना के, और आपको पत्थर मार रहे थे, कोई आपके सर पर कोई आपके पैर पर, जिसकी वजह से जिस्म से खून निकलकर आपके जूतों में जमा हो गया था। आप सोचे जूतों में खून जमा हो जाए, आपके पांव खून आलूद हो गए थे, खून बह बहकर नीचे जाकर जमा हो गया था, फिर भी आपने कहा फरिश्ता जिब्रील आते हैं, फिर आप सबसे फरमाते हैं कि पहाड़ के फरिश्तों ने मुझे मुखातिब हुए, तो मैंने कहा कि नहीं इनकी औलादों में से कोई मुझे मान लेगा, तो जो है आप क्या करते थे लोगों को जोड़ते थे, आप इंतकाम नहीं लेते थे बल्कि उम्मीद रखा कि शायद इनकी औलादों में से कोई मुसलमान हो जाए, और ये हुआ उनको जिंदा रहने दिया जाए, उनको जिंदा रखा, शायद आज नहीं तो उनकी औलादों में से बच्चे इस्लाम ले आएंगे और यहाँ इस्लाम फैल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। और दीन की दावत देने वाला इस्लाम की तरफ बुलाने वाला क्या करता है, उसका अखलाक ऐसा ही होता है जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, वो क्या करता है पर्सनल नहीं होता। आप हजरत अली करम अल्लाह वजह भी आप ससम को सब फॉलो करते थे ना, जंग में एक आदमी ने आप लड़ रहे थे उससे लड़ रहे, एक आदमी ने अली करम अल्लाह वजह के चेहरे पे थूक दिया, उन्होंने उसको छोड़ दिया तलवार, कहा कि नहीं ये तो मेरा पर्सनल हो जाएगा, मेरे थूक का वो हो जाएगा। तो अपनी जात के खिलाफ नहीं समझना चाहिए, अपनी जात के खिलाफ नहीं लेना चाहिए, इंतकाम नहीं लेना चाहिए। आप ससम ने कभी नहीं सोचा, कभी बराबरी पे नहीं आए, हमें बराबरी पर भी नहीं आना चाहिए बल्कि बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। बेहतरीन अखलाक होगा तो क्या होगा, फरिश्ता भी आएगा मैं तुम्हारा अखलाक हूँ, मुनकी नकिर के जवाब दे दो कब्र में, ठीक है। तो यही है इन नकल आला खुलुक नजीम, ये आयत किसके लिए आई है, इन नकल आला खुलुक नजीम, आप सब बेशक ए नबी आप अखलाक के बुलंद दर्जे पर है, और यही तो है वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, नहीं भेजा हमने आपको सिवाय रहमतुल्लिल आलमीन, हाँ हमने नहीं भेजा आपको रहमतुल्लिल आलमीन बना के, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, वबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, और आप तो मोमिनों के लिए बहुत नरम और बहुत रहीम है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी बेशक आप तो अखलाक के बुलंद दर्जे पर हैं। ये सब आप लोग देख लीजिएगा जाके ना हर चीज, फिर व्हाट्सएप पे भी ना डालें, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, और नहीं भेजा हमने आपको सिवाय रहमतुल्लिल आलमीन बना के, दो जहां के लिए रहमत, वबिल मोमिनीना रऊफुर रहीमा, और मोमिनों के लिए तो बहुत ही नरम दिल और रहीम, खास तौर पर मोमिनों के साथ आपकी शफ़क़त बेमिसाल है, कहां आप और कहां हम। अल्लाह के रास्ते में इंसान को मुश्किलात का सामना देखे करना ही पड़ता है ना, और जो है ये फूलों की सेज नहीं है, आपको मालूम है कि फूलों की सेज नहीं है। और मेरी बेटी एक दफा, मैंने आपको बताया था उजमा को शायद पता है, जद्दा में जुमेरात को मैं दर्श करती, मेरे सामने वाली बिल्डिंग में सारा, मैं पाकिस्तानी हमेशा, मैं अल्लाह ताला ने मुझे कम्युनिटी के बीच में ही रखा है,
तो थर्सडे फ्राइडे में छुट्टी होती थी उस जमाने, अब तो फ्राइडे सैटरडे होती है। तो मेरी अरीज अब दो बच्चों की माँ है, एक दिन वो बच्ची सी थी रोती रही, करी मम्मी अब दरवाजे ठोकने भेज देती, सबके पकड़ों में लैंडलाइन भी नहीं होती थी, किसी का ही थी कहीं नहीं थी, करी मम्मी ऐसा लगा कि मैं भीख मांगने जा रही हूँ, मेरी बच्ची रोती रही। तो ये आलम हो जाता, बच्ची जिसको उसके मुंह से निकल गया, छोटी सी 7-8-9 साल की बच्ची, उसने कहा मैं भीख मांग रही हूँ, बच्चों को बुलाने जा रही हूँ, सामने की बिल्डिंग में आप भेज देती, वो जाती थी। माशाल्लाह दो बच्चों की माँ। तो ऐसा करना पड़ता है, फूलों की सेज नहीं है, आरामदेह रास्ता नहीं है, जो लोग भी इस रास्ते पे चलेंगे उन्हें मुश्किलात आएगी, मुश्किलात का सामना पड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें हाय वावेला नहीं मचाना है। हदीस में आता है कि तमाम लोगों में सबसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया पर आई, फिर दर्जा बदर्जा उनके करीब लोगों पर आई। आप दीन में आएंगे तो मुश्किलात आएंगी, ले ये चल दी दस लेने, लो ये अमाल तो देखो, हमें कहती ये करो, उसके बेटे ने ये क्या, उसकी बेटी ने क्या, मुझे काम जाता था कि अफाफ तो अभी तक शलवार नहीं पहने, पहले अपने घर को तो देखें, अब बेबी थी तो अफाफ को अभी तक, मतलब मैंने भी सुनी ये बातें, मैं बता रही हूँ आपको, अब बड़ी हो गई माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, तो पहनती है, कोशिश करती है। अच्छा, उसके बाद तो अम्बिया पे बहुत मुसीबतें आई, फिर उसके बाद जो जो उनके करीब लोग होंगे उन पर आई, उनसे जितना करीब होता है उन पर मुश्किलें आती हैं, फिर उनसे जो करीब है ना, कि आप सबने फरमाया हम गुरोह अम्बिया को जिस तरह सवाब सवाब ज्यादा दिया जाता है, उस तरह मुसीबत भी दुगनी आती है, यानी जितने बड़े दर्जे और जितने बड़े मकाम होंगे इतनी बड़ी मशक्कत सहनी पड़ती है। आप सबसे तो नज़ा का वक्त भी बहुत वो था, क्योंकि उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं ना। बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब आप सबसे पे नज़ा का वक्त आया, तो जब मुझे समझ आया कि नज़ा का वक्त कितना मुश्किल होता है, आप सबसे ने एक प्याला पानी का रखा था और जो है उसमें पानी में हाथ डाल डाल के अपने सर पर फेरते थे, वो भी बहुत हेल्प करती थी, और जो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इन्न सकरात अलिल मौत, बेशक मौत के लिए सकरात है, बेशक मौत के लिए सकरात है। नबी ससम ने पिछले पैगम्बरों के हालात बयान करते हुए एक मरतबा फरमाया था, और नबी ससम फरमाया, इब्ने मसूद कहते हैं कि नबी ससम ने फरमाया गोया आप ससम को देख रहा हूँ, इब्ने मसूद कहते हैं मैं जैसे फरमाते हुए कह रहे हैं, उनके हदीस फरमाते कह रहे हैं जैसे मैं आप ससम को देख रहा हूँ, देखिए उनकी यादें, उनका कितना मजबूत होता ईमान, देख रहा हूँ कि आप ससम पैगंबर की हिकायत बयान कर रहे थे, उनके बारे में एक किस्सा बता रहे थे, आप ससम पैगंबरों के बारे में बता रहे थे कि उन एक किस्सा, एक पैगंबर की कौम वालों ने उनको इतना मारा कि लहू लान कर दिया, और अपने मुंह से वो खून पहुंच रहे थे, नाम नहीं बताया आप ससम ने उस पैगंबर का, आप ससम बता रहे हैं किस्सा ने मसूद हमें बता रहे हैं, और वो यूं दुआ कर रहे थे, ऐ रब मेरी कौम के लोगों को बख्श दे, ये जानते नहीं, ऐ रब मेरी कौम के लोगों को बख्श दे, ये जानते नहीं। देखिए ये था पैगंबरों का लहू लान हो गया, एक और पैगंबर का बता रहे थे अपने ऊपर से आप ससम, अब क्या हमें भी देखिए स्पेस देनी चाहिए, हमें तो मार तो नहीं गया, अगर हम कोई फोन ज्यादा करने पड़ रहे हैं, अगर हम स्काफ में कोई औरत जा रही है, मुझे मुस्लिम सेंटर अक्सर देर हो जाती, मैं चल रही होती कोई ना कोई गुजर रही होती, आप कहाँ जा रही है, मैंने कहा देखिए इधर सो रहा है आप आया करें ना, और फुरकान वाले भी मुझे बुलाते हैं, और मुस्लिम फाउंडेशन का भी दर्स होता है फुरकान में भी होता है और फला जगह भी होता है, मुझे 5 मिनट लेट हो जाती है, वो कहते क्यों लेट हो गए, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं दावा करती हुई आ रही हूँ ना, हम करते हैं ना, तो और आपको पता है खातून आ गई थी, वो कह रही मैं नहीं आती हूँ जुमे के दिन तो मैं नहीं आ सकती, मैंने कहा सुबह आ जाए, वो बेचारी पता नहीं कहाँ चली गई, पाकिस्तान चली गई, वो यहाँ बैठे हुए सांपों का बता रही थी, तो उनके भाई को सांप दसते हैं, हाँ वो थी ना, तो मेहनत तो अच्छा इनसे पूछ लेंगे बाद में आप बताए, मेहनत रायगा नहीं जाती, तो हमें स्पेस देनी चाहिए, उनसे रियायत करनी चाहिए, अगर हमारे साथ बुरा सलूक भी करे ना तो हमारे दीन की वजह से उसकी वजह से हमें बर्दाश्त करना चाहिए, है ना, और जो है हमें ना समझ लोगों के मकाम पर नहीं आना, वो ना समझें लाइमी में कहीं कर रहे हैं तो हमें उनके मकाम पर नहीं आता, उनको तार तार हमें जवाब नहीं देना चाहिए, अल्लाह ताला ने इसके लिए चुना है, अगर हमें अपने काम के लिए सुन रहा है तो फिर क्या है, उनका सब्र हौसला भी जिनको सुनता है बहुत बड़ा होता है, और फिर ये कि जो उनका रद्द अमल था वो आप ससम का वो हम देखते हैं बहुत खूबसूरत था ना, तो हमारा रद्द अमल भी घर वाले हों, हमारे रिश्तेदार हों, हमारी औलाद हो, हमारे पड़ोसी हों, वालदेन हो, कोई भी हो हमसे बदतमीजी करे तो हमें काट कर नहीं बैठ जाना चाहिए, ताल्लुक नहीं तोड़ देना चाहिए, दीन ये नहीं सिखाता, वो समझ नहीं रहे ना, तो हम तो कुरान पढ़ने वाले हैं, हमने तो दीन को समझ रहे, रोज बैठ बैठ के कुरान और हदीस आयतें खोल रहे ना, हमारे सामने है सब कुछ, तो हम क्या करना है, कोई हमें बुरा करेगा तोड़ देंगे सबसे रिश्ते ताल्लुक,
चाहे माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, देवरानी हो, जिठानी हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी हमें ताने दे रहा हो दीन के, बड़ी तुम्हारी नमाजें देखी, तुम्हारे तो अमल नहीं, सुनते रहे सुनते रहे। हमें मालूम होना चाहिए कि इस रास्ते में क्या है, मुश्किलातें हैं, लेकिन हमें क्या कहना है, मुझे इस दीन पर कायम रहना है। उनसे तवक्कात, कोई तवक्कात हमें नहीं होनी चाहिए, और जो है वो हमारे रास्ते, वो हमें मदद करेंगे, हमारे रास्ते हमवार करेंगे। तो हमें खुद करना चाहिए बढ़ के, हमें उनके उनके सलूक में हमें भी बुरा नहीं करना चाहिए, लानत मलामत नहीं करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर क्या किया, हर मौके पर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देते थे। जब लोगों ने कहा कि ये मुजम्मम है, मुजम्मम कहकर उनको पुकारते थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर नहीं लिया था, मैं तो मोहम्मद हूँ, मैं मुजम्मम हूँ, मुजम्मम कहाँ हूँ, अपने ऊपर नहीं लेते थे, मैं तो मोहम्मद हूँ। इन चीज़ों को बड़ा इशू हमें नहीं बनाना है, चाहे लोग जो भी कहें, हमें उनके लिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए और अपने तरीके को दूर रखना चाहिए, बिल्कुल कुरान में, क्योंकि हम कुरान पढ़ने वाले। अच्छा, अब वो जिब्रील अलैहिस्सलाम पर हैं, मुजम्मम जो बहुत ज्यादा उनको के खिलाफ बातें कही जाती थी ना, मजमूम जो कहते हैं ना, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा बुरी बातें करते थे। तो जो है हमें क्या करना है, हमें साबित कदम रहना है, उनका सब बर्दाश्त करना। अच्छा, जिब्रील अलैहिस्सलाम पे हदीस है, मैं चाह रही हूँ कि वन स्ट्रेच में करेंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो फिर एक साथ होंगी तो अच्छा रहेगा ना। तो इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु ली व लकुम फिल सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो हम लोग चाह रहे थे कि कुछ दो स्लाइड्स थे, जी दो स्लाइड्स थे, वो लाइव नहीं जा सके थे, लेकिन हम उसको नहीं दिखाइएगा अभी उज़्मा जी, क्योंकि अभी बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए, एक बहुत खुशी की खबर है, अनाउंसमेंट है। तो इसलिए वो हम नेक्स्ट टाइम, वो दो स्लाइड्स जो डॉग पे थे ना, कि जहाँ कुत्ता और तस्वीर होती तो आप ससम नहीं आते और किन पे लानत होती है, तो वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक बहुत खुशी की खबर है। तो पहले आप दरूद शरीफ सुन लें इंशाल्लाह, क्योंकि हदीस की महफिल थी, कुरान और सुन्नत में तो हमेशा दरूद शरीफ, एक दरूद शरीफ पढ़ते तो 10 रहमतें आती हैं। तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है प्यारी बहनों, उज़्मा जी को स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है? हाँ जी, माशाल्लाह आ गया जी, मैं लॉग आउट हो गई। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा प्यारी बहनों, ऐसा है कि मैंने सुनाऊँ आप लोगों को एक खुशखबरी, कि देखें हम यहाँ जमा होते हैं और हम अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, और हमेशा हमारी दुआ ये होती है कि या अल्लाह इस खित्ते पे हमें भेजा इस दुनिया में, तो हमें हमसे कोई अच्छा काम ले लें। वो दुआ कबूल हो गई, वो दुआ आप सब लोगों की कबूल हो गई, हम सब की वो दुआ कबूल हुई है। तो हुआ ये कि आप लोगों को मालूम है कि समर स्कूल में मुझे बुलाया गया था, पेंडेमिक की वजह से जो है 2 साल से नहीं हो रहा था समर स्कूल हमारे मस्जिद में, तो मुझे बुलाया गया, तो इमरजेंसी में के टीचर्स नहीं मिलती, मैं चली गई। अब सुनने वाली बात है, हमारी दुआ कैसे कबूल हुई? तो हमने सोचा था ना कि कभी किसी को हम मुसलमान कर दें, अल्लाह ताला हमारे हाथों शहादा लिख दे, शहादा पढ़ाना, और कि हमारे मेरे बराबर में रहती थी एक हमारी बेचारी किंजर, तो मैं मेरी बेटी को सबसे कहती थी कि वो इतना ब्यूटीफाई हमें करती है, उसको ही मुसलमान कर दें। तो अफाफ को भी हमेशा कहती थी, वो कहती थी मैं हमेशा बात रखती हूँ। बहरहाल वो क्या हुआ, वो इस मोहल्ले से भी चली गई, और दुख ही रहता था अफसोस, क्योंकि अल्लाह ताला पूछेंगे हमारे इर्द गिर्द नॉन मुस्लिम है ना सारे, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए। बहरहाल अब स्टोरी शॉर्ट,
तो मैं पढ़ाती रही वहां पे 4-5 हफ्ते का वो कोर्स था, समर कैंप था। माँ बाप चाहते हैं ना कि बच्चे समर में घर में बैठे हुए चलो कुछ सीख ही लें, ठीक है, रूटीन बन जाए, बेवक्त उठना बेवक्त सोना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो चले मोहल्ले को जरूरत पड़ी, वजह करो उसमा फीहा यानी अल्लाह का नाम बुलंद करो मस्जिदों में, मैं चली गई। मैंने कहा आज मेरे मोहल्ले को जरूरत है, मैं चली जाती हूँ। कल हमारा वो सेशन एंड हो गया। अब वो जो ग्रेजुएशन थी उसमें एक बच्चा था मेरे पास, जॉर्डन का था, ठीक है, और वो मुसलमान था, तो उसकी फादर भी मुसलमान था, उसकी माँ उसकी वालदा मुसलमान नहीं थी। तो वो एक दफा ऐसी बच्चे को छोड़ने आई, तो वो मैंने नंबर नंबर ले लिया। आपको पता है ना मुझे ये होता है कि चलो इंग्लिश प्रोग्राम में हमारे होता है तो आ जाए, हम और आप तो वही बात आज हो रही थी ना, हमारे 10 में स्काफ वाली भी देखते हैं तो हम बोलते हैं कि आ जाए, फिर फूड प्लस में, रास्ते में, वॉलग्रीन में, जहाँ भी हमारे मोहल्ले में। तो बहरहाल वो कल वो बहुत बात करना चाह रही थी, लेकिन इतने सारे पेरेंट्स थे, ग्रेजुएशन डे था, तो बात नहीं हो सकी। मैंने कहा अच्छा आप मुझे फोन पे कॉल करें। टू माय सरप्राइज फोन पे वो कहती है कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मैंने कहा कि किस बात ने, क्योंकि मुसलमान पूछना होता है ना आपको, किस बात ने आपको वो किया कि आप मुसलमान। कह लगी मेरा बेटा मुसलमान। कहा जब भी तो आप लाती हैं उसको, मैं समझ रही थी वो मुसलमान है, जब भी तो बच्चा लाती है। कह रही नहीं शोहर मुसलमान, बेटा मुसलमान, माँ लबनान की, बाप शोहर जॉर्डन का, लेकिन मुझे इस बात ने इंस्पायर किया कि मेरे घर वालों ने कभी मुझे नहीं कहा, फोर्स नहीं किया, ठीक है ना, अच्छा अफोर्स नहीं किया। तो मैंने उसको बता दिया कि कलमा ये होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और शहादा। फिर जो है मैंने अबीर से बात की, तो जाहिर है ये काम तो हमारे इमाम का होता है ना, तो मैंने फिर मस्जिद में बात की, तो उन्होंने कहा आज जुमे की नमाज में आप उन्हें ले आए, नमाज के बाद जो है हम उनको शहादा पढ़ा देंगे, कलमा शहादत पढ़ा देंगे, मुसलमान हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो तमन्नाएं की वो हुई, फिर मैं मस्जिद ले गई उनको, फिर इमाम साहब जो है नीचे आए, वो नमाज के जुमे की नमाज के बाद उसने कलमा शहादत पढ़ा, और दीन उसके लिए नया नहीं था, घर में सब मुसलमान थे। फिर उससे पूछा गया कि क्या वजह, कह रही कि मेरी मम्मी लबनान की हैं, और लबनान की हैं वो जो है अब बहुत बुरी तरह बीमार है, कैंसर है। तो मेरी वालदा ने कहा कि अब तुम सोचो बेटी, है ना, एक बच्चे के बाद, और बच्चा भी कुछ जो मेरे पास पढ़ाने वाला एज ग्रुप था वो 9, 10, 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे थे, तो उनमें से एक बच्चा था। तो कह रही है बेटा मुझे कहता था कि मॉम भी मुस्लिम, तो बेटे ने भी मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, पूरी खानदान में, पूरी ना शोहर ने ना माँ ने, लेकिन इस बच्चे ने कहा, क्योंकि उसको पूछा ना इमाम साहब ने मस्जिद के, तो बेचारी ने वो शहादा ले आई। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ हम जमा माशा होते हैं, इसकी बरकात है, जो हम दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमसे कोई अच्छा काम ले ले, तो पता नहीं हम आप सब बहनों की दुआ कबूल हुई और हमसे ये काम अल्लाह ताला ने ले लिया, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं, इसकी बरकात और उसकी वो, और हम रो रो के दुआ करते थे ना अल्लाह हमारे हाथों कोई शहादा ले ले, कोई काम हो जाए, है ना। अमीन सुम्मा अमीन। तमाम जी चलो मैं वल्लाह हाफिज कह रही हूँ, ठीक है। फिर मैं एंड करती हूँ जी इंशाल्लाह, बहुत आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ठीक है, चलें। जी जी तो अगर आपने किसी ने कुछ कहना नहीं तो एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम वालेकुम सलाम अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व नस्तगफिरुका व नतूब।